cabinet also one very important decision has been taken regarding the welfare of farmers. Kharif season start ho raha hai. Kharif season ke liye 14 crops pe minimum support price aaj cabinet ne approve kiya hai. Main in prices ke baare mein padhunga, usse pehle I'll give the context. In the 2018 union budget, the government of India had given a very clear policy decision, had taken a very clear policy decision that MSP kam se kam ded guna honi chahiye cost ki. It has to be at least 1.5 times the cost of production. To aaj ke jo faisle aap dekhenge, in sab faislon mein is principle ko dhyan rakha gaya hai. Every crop that I am going to read out will have at least 50% more MSP compared to the cost. Aur cost ko nikalne ka bhi bahut hi scientific tarika hai. Iska ek mechanism hai, CACP ke dwara desh bhar mein kai tehsilon mein, kai jilon mein, kai villages mein jaake study kiya jata hai. Cost of production sare ke sare factors ko leke study kiya jata hai. तो इसके आधार पर आज जो एमएसपी डिक्लेयर हुई है वो है धान. सबसे पहले धान का नया एमएसपी पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2300 रुपीस डिक्लेयर किया गया है, विच इज़ 117 रुपीस इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस एमएसपी. आप इसको 2300 को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहोगे, दैट इज अगर 2013-14 का जो प्राइस था, दैट प्राइस वाज 1310 रुपीस, 1310. यानि कहाँ 1310 था और कहाँ आज 2300 है. किस तरह से किसान भाइयों के लिए, किसान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का हमेशा एक स्पेशल फोकस रहता है, ये इसको दर्शाता है. इसी तरह से कॉटन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, इसका एमएसपी 7121 और एक दूसरी वैरायटी है उसमें 7521 रुपीस डिक्लेयर किया है, जो कि 501 रुपए ज़्यादा है, 501 रुपीस ज़्यादा है कंपेयर टू द प्रीवियस एमएसपी. अगेन टू गिव द कॉन्टेक्स्ट, 2013-14 में एमएसपी वॉज ओनली 3700 रुपीस. जो मिलेट्स हैं, आप सब जानते हैं कि मोदी जी ने मिलेट्स के प्रोडक्शन, मिलेट्स की प्रोसेसिंग और दुनिया भर में मिलेट्स के जो पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं उसको एक अलग ही तरीके से प्रोत्साहन दिया, अलग ही तरीके से एनकरेज किया है. इस एनकरेजमेंट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है आज का कैबिनेट का फैसला भी. ज्वार 3371 रुपीस, रागी 4290 रुपीस, बाजरा 2625 रुपीस और मक्का मेज 2225 रुपीस. ये सब के सब अगर आप कंपेयर करो 2013-14, तो उस टाइम में फॉर एग्जांपल जवार वाज ओनली 1500 रुपीस, इट इज़ टुडे 3371 रुपीस. करीब करीब हर एक में अच्छा इंक्रीमेंट है, बहुत बड़ा इंक्रीज़ है. वैसे ही दलहन, दालें, दालों के प्रोत्साहन के लिए भी जैसा आप जानते हैं कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि दाल में और ऑयल में, एडिबल ऑयल में, इन दोनों में आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरे प्रयास करने हैं और उसके लिए कई तरह के नए नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं. उसमें एमएसपी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मूंग की एमएसपी डिसाइड हुई है 8682 रुपीस. तूर की एमएसपी है 7550, ये पिछले एमएसपी से 550 रुपए ज़्यादा है. उड़द की हुई है 7400 रुपीस, जो कि पिछले एमएसपी से 450 रुपए ज़्यादा है. आप देखेंगे करीब करीब हर एक फसल में
एमएसपी पहले के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। इसी तरह से ऑयल सीड्स में सबसे पहले सीसमम यानी तिल 9,267 रुपीज़, ये पिछले एमएसपी से 632 रुपए ज़्यादा है, 632 रुपीज़ ज़्यादा है। ग्राउंडनट मूंगफली का तेल 6783, राम तिल एक छोटी कमोडिटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, बहुत सारे ट्राइबल एरियाज में इसका अच्छी ग्रोथ होती है। नाइजर सीड कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में राम तिल 8717, ये भी 983 रुपीज़ इंक्रीज़ किया गया है। सनफ्लावर 7280, सोयाबीन 4892 रुपीज़। तो हर एक में सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ किया गया है। और आप जानते हैं कि नेफेड की एक बहुत अच्छी ऐप बनी है जिसमें कोई भी दलहन यानी दाल या तिलहन यानी ऑयल सीड और मक्का यानी मेज़, इसकी खरीदी सुनिश्चित करने के लिए नेफेड की बहुत अच्छी ऐप है। इस ऐप से किसानों के लिए अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस को बेचना बहुत आसान हो जाता है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव चल रहा है 2,00,000 गोडाउन बनाने का, 2,00,000 गोडाउन बनाने का देश भर में काम चल रहा है। देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी टर्म बहुत ही महत्वपूर्ण फैसलों वाली टर्म है। पहली दो टर्म्स में बहुत अच्छा एक बेस बना है इकोनॉमी का, किसानों के वेलफेयर का। अब उसके आधार पर, उस बेस पर एक बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी जंप ली जा सकती है क्योंकि बेस बहुत मजबूत बना है। ये कंटिन्यूटी विद चेंज का पॉलिसी है, कंटिन्यूटी विद चेंज। कंटिन्यूटी है किसानों पे फोकस, कंटिन्यूटी है कि किसानों के हर इनपुट पे ध्यान देना। जैसा आप जानते हैं दुनिया भर में फर्टिलाइज़र की कॉस्ट 3,000 रुपये पर बैग के हिसाब से हो गई थी, लेकिन मोदी जी ने थ्रू आउट द डिसरप्शन कॉज्ड बाय कोविड एंड द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, डिस्पाइट ऑल दैट फर्टिलाइज़र की प्राइस को भारत में कम रखा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और देश भर में, दुनिया भर में इस चीज़ पे आश्चर्य करते हैं कि जहाँ दुनिया में 3,000 रुपये कॉस्ट चली गई थी, 300 पे रखा गया भारत में। और हमारे किसान भाई भी इसको मानते हैं, हमारे राजनीतिक क्षेत्र में सभी कार्यकर्ता भी इसको समझते हैं। तो एक तरीके से जो खेती से रिलेटेड पूरा जो फ्रेम है, इसमें हर एक पॉइंट पर, बीज से बाजार तक, हर एक पॉइंट पर एम्फेसिस दिया गया है, हर एक पॉइंट पे वैल्यू एडिशन का ध्यान रखा गया है। तो ये जो 2,00,000 गोडाउन का अभियान जो चल रहा है, इससे किसानों को अपने प्रोडक्ट को सफिशिएंट टाइम तक, जब तक वो चाहे तब तक उसको स्टोर कर सके। और ये सारा का सारा कोऑपरेटिव सेक्टर में बन रहा है, कंप्लीटली कोऑपरेटिव सेक्टर में बन रहा है। जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, जो कि एकदम जिले से भी नीचे पंचायत के स्तर पर होती है, उसमें ये सब बन रहा है। यानी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन से अपने प्रोड्यूस को ठीक जगह पे रख सकें, टाइमली स्टोर कर सकें, साइंटिफिक वे में उसको प्रोसेस कर सकें, और जब ठीक टाइम हो, जब अपनी चॉइस हो, उस चॉइस के हिसाब से मार्केट में ले जा सकें। साथियों, इस पूरे आज के फैसले से किसानों के पास करीब करीब 2,00,000 करोड़ रुपए किसानों के एमएसपी के एवज में जाएंगे, किसानों के खातों में। दिस इज 35,000 करोड़ रुपीस मोर देन दी प्रीवियस सीजन। 2,00,000 करोड़ रुपीस विल बी दी टोटल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ दी एमएसपी एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन फार्मर्स इनकम।